कि संजय मोहन के पास से इतने लड़कों की इतनी लिस्ट मिली है, इस लिस्ट भ्रष्ट लड़कों की है, ये अक्षम्य अपराध है, इसलिए इनकी हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन खारिज की है। मतलब मेरिट पे भर्ती के लिए जो आदेश आया है, उस आदेश के एक पार्ट का कंप्लायंस तो सरकार कर रही है, लेकिन उसी आर्डर में जहां सिंगल बेंच डबल बेंच ने कहा है टिट के धांधली वाले लड़कों को अलग करके तब भर्ती की जाए, राज्य सरकार उस धांधली वाले बच्चों को अलग करके भर्ती प्रक्रिया नहीं चला रही है। इसके लिए हम लोग जो है 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हमने कोई आर्डर नहीं किया है, हम सिर्फ हाईकोर्ट के आर्डर का कंप्लायंस करा रहे हैं, आप लोग हाईकोर्ट जाइए और उसमें मॉडिफिकेशन दायर कीजिए कि जो डिस्क्रिप्शन में आर्डर है वो मेन आर्डर में आए और सरकार गुड पार्ट बैड पार्ट को अलग करे, उस आर्डर में कराइए। अगर वहां आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप हमारे पास आइएगा और 300 लड़कों की लिस्ट जो संजय मोहन के साथ बरामद हुई है, जो एपी शाही की कोर्ट में लगाया गया है, उन 300 लड़कों को भी ये राज्य सरकार बाहर नहीं कर रही है। आज हमने प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई है और सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और हाईकोर्ट में डायरेक्शन एप्लीकेशन आज फाइल करेंगे हम लोग। विनीत कुमार सिंह।